चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दो चिकित्सकीय संस्थाओं के साथ मिलकर ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी है कि ई स्वास्थ्य धाम ऐप पर सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डाटा अपलोड करना है। स्वास्थ्य विभाग जगह जगह श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग करेगा। इन स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ ही हंस और विश फाउंडेशन के चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। सचिवालय में स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग की बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि श्रद्धालु अपनी बिल्कुल सही मेडिकल हिस्ट्री रजिस्ट्रेशन के दौरान उपलब्ध करवाएंगे तो इससे प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति में चिकित्सकीय सलाह सहायता पहुंचाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पे श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स भी रहेंगे।